इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इजराइल की सेना ने जेनिन शहर में एक मस्जिद पर हमला कर दिया है। खबर तो ये भी है कि हमास के आतंकवादी इस मस्जिद में छिपे हुए थे और मस्जिद में बने बंकर में छिपे आतंकवादी इजराइल पर हमले की ही प्लानिंग कर रहे थे। IDF ने इस हमले का वीडियो भी जारी कर दिया है और हमले में बड़े नुकसान का दावा IDF की तरफ से किया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमले में आतंकियों को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। दो तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद पर हुए हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस हमले में मस्जिद को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। दावा तो ये भी किया गया कि इस मस्जिद में आतंकी छिपे हुए थे जिस पर इसराइल की तरफ से हमला किया गया था। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर में आप देखिए ये वही मस्जिद जिस पर हमला किया गया और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे हमले के बाद तबाही के निशान छोड़ती हुई ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सब कुछ तबाह हो चुका है, तहस नहस हो चुका है, क्योंकि जानकारी मिल गई थी कि हमास के जो आतंकी हैं वो यहीं पर छिपे हुए हैं, यहीं पर बंकर में छिपे हुए हैं और यहां पर छिपकर कैसे इसराइल पर हमला करना है, आगे की रणनीति बना रहे थे, उस प्लान को तैयार कर रहे थे, लेकिन जैसे इसराइल को इसकी भनक लगी उसके बाद ताबड़तोड़ हमले कर डाले। इसराइल और हमास में जारी युद्ध का आज 16वां दिन हो गया है। इसराइल के हमले में गाजा में अब तक 4,469 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 1756 बच्चे भी शामिल हैं और घायलों की संख्या 13,561 हो चुकी है। दोनों तरफ से बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसराइल हमास युद्ध का 16वां दिन आज है। 7 अक्टूबर से यह युद्ध शुरू हुआ था, जब सबसे पहले हमास की तरफ से जबरदस्त हमला इसराइल में किया गया था। अब बताया ये भी जा रहा है कि मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। 1756 बच्चे अभी तक ऐसे जो इस युद्ध में, इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन दुखद यह है कि ये जंग अभी भी जारी है। न सिर्फ इसराइल बल्कि दूसरी तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से बहुत भारी नुकसान हो रहा है।